अरे यार, कितना पढ़ना पड़ता है, ऐसे कैसे निकलेगा एनडीए यार। क्या हो गया, क्यों परेशान है तू इतना? अरे यार भैया, समझ नहीं आ रहा एनडीए का सिलेबस, क्या पढूं क्या ना पढूं, कितना करना है, कहाँ से करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार, इंडिया का सिलेबस बहुत ही आसान है। चल मैं बताता हूँ, आ जा। एनडीए के सिलेबस में दो पेपर होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स का और एक होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली 11th और 12th सिर्फ यही पूछा जाता है, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी बुक से बनते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए इंग्लिश, जहां पे इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं, पार्ट बी होता है, इसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में क्या पूछते हैं, तो फिजिक्स पूछते हैं, केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 12th के सवाल होते हैं, सिर्फ 12th। अब बात करते हैं जनरल साइंस, यहाँ पे आपका साइंस पूछा जाता है, फिर आता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो तुम यहाँ पे 9th और 10th के बुक का लेवल ले सकते हो। एंड देन फाइनली इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तुम बस न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ, और इतने से तू पूरा पार्ट बी भी कर लेगा, पार्ट ए भी कर लेगा। अरे वाह भैया, एनडीए इतना आसान है, अब तो मैं कर लूंगा। तो ऐसा करो, आप मेरे को एनडीए की मार्किंग स्कीम भी बता दो।